कुछ खुशियां कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरी साल गया। पाकिस्तान में 2021 का सूरज हुरूब होने को है, न्यूजीलैंड में 2022 का आगाज, ऑकलैंड का बार्बर ब्रिज 12 बजते ही रोशनियों से जगमगा उठा। कोरोना की वजह से रिवायती आतिशबाजी मनसूख कर दी गई। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की हरकतें भुगत रहे हैं। इमरान खान वजीर आजम ना होते तो कब के दिवालिया हो चुके होते। फवाद चौधरी कहते हैं गुज़श्ता हुकूमतों के लिए ये गए कर्जे वापस कर रहे हैं, 3 साल में 32 अरब डॉलर वापस किए, मईशत में बेहतरी जल्द नजर आना शुरू हो जाएगी। शहबाज शरीफ के पास दो ही ऑप्शन हैं, लंदन या जेल। IMF 700 अरब के नए टैक्स चाहता था, जो खबरें चली उनमें हकीकत नहीं थी। आम आदमी के इस्तेमाल की बहुत सी अशिया पर टैक्स नहीं लगाया। चेयरमैन FPR मोहम्मद अशफाक कहते हैं खुराक की अशिया को टैक्स से बचाया गया। मनी बिल के हवाले से तकनीकी निकात बहुत ज़्यादा हैं जिसकी आगाही की ज़रूरत है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से 160 अरब की छूट वापस ली गई है। किसी ने इतने इनकलाबी फैसले नहीं किए जितने हमने किए, इस रास्ते पर चल रहे हैं जो कौम को ऊपर लेकर जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब, कहा वक्त बताएगा मेट्रो ट्रेन ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी या सेहत कार्ड। सेहत कार्ड जैसे इनकलाबी फैसले हर कोई नहीं कर सकता। आटा दाल और घी पर सब्सिडी दे रहे हैं, मुल्क को एशियन टाइगर बनाने का दावा करने वालों ने आवाम को मुश्किल में धकेल दिया। इमरान नियाजी ने IMF के सामने हथियार डाल दिए, तबाकुन असरात आने वाले माह साल में जाहिर होंगे। शहबाज शरीफ के खदशात, कहा मिनी बजट ने मुआशी गाड़ी का इंजन सीज कर दिया है, एक करप्ट कंपनी अब दिवालियापन के मरहले में दाखिल हो चुकी है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए, आलमी इदारे से मिलकर आवाम से लड़ रहे हैं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, सेशन कोर्ट ने DGKDA आसिफ मेमन को मुकदमे से बरी कर दिया। 1 लाख रुपए बतौर गारंटी जमा करवाने का हुक्म, मुलजिम आतिफ अली को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश, सिफारिश 1 के खानदान में 11 ओमिक्रोन केसेस रिपोर्ट होने पर की गई। मुतासर खानदान के अजीज व अकारिब के टेस्ट करने का फैसला, महकमा सेहत ने तमाम अफराद का डाटा ले लिया, मुतासर अफराद घर में ही करंतीना। और ICC प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों का ऐलान, दुनिया भर से 4 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट, पाकिस्तान के 2 स्टार्स शामिल, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान नामजद, इंग्लैंड के जो रूट और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन भी नामजद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।